हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बटर स्कॉच का केक है। उसको स्पेशली उसके पापा के लिए बनवाने के लिए दिया था, तो मैंने स्पॉन्ज रेडी कर दी है और उसके बाद फिर डिमोल कर दिया है। इसके बाद फिर हमने 3 लेयर काटा है। ये आप लोगों को भी पता है कैसे काटते हैं, लास्ट मैंने वीडियो में दिखाया था। और ये वाला जो क्रीम है ये मैंने बीट करके रखी थी फ्रेस में डाल के, तो इसको हम निकाल के बोर्ड में रख दिया है। तो पहले हम बोर्ड में थोड़ा सा क्रीम डालेंगे ताकि इसको अच्छे से सेट हो जाए, चिपक जाए और ना गिरे। तो इसके लिए फिर इसके बाद फिर मैंने सॉकिंग किया है पानी से। ये ऑलरेडी मीठा है ये जो स्पॉन्ज हैं, तो इसलिए मैंने सिंपल प्लेन वाटर से सॉकिंग किया है। इसके बाद मैंने क्रीम लगाया और ये हाफ केजी का केक है, तो ज़्यादा क्रीम भी नहीं चाहिए था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही लगाया। इसके बाद फिर सबसे टॉप वाला जो है ना वो लगाएंगे, तो इसीलिए वो मैंने क्रीम थोड़ा सा ही डाला है। और मैंने बटर स्कॉच का क्रस डाला है, स्कॉच से स्प्रेड करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है इस वाइट चॉकलेट टेस्ट अच्छा आने के लिए। ये आप लोग का मर्जी है, आप ना डालने से भी अच्छा ही है, मतलब टेस्ट अच्छा आता है और डालेगी तो और टेस्ट अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने डाला है। फिर इसके बाद जो केफ है इसको फिल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जब पानी से सॉकिंग करेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाता है, तो इसलिए मैंने पहले अच्छे से जो गैप है इसको फिल कर दिया है। इसके बाद फिर से सेम प्रोसेस है, पानी से सॉकिंग, इसके बाद क्रीम, इसके बाद जो भी फ्लेवर है उस जो डालना है वो डालेंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैंने क्रीम लगा दिया है। आप लोगों को भी पता है कि कैसे मतलब हम लोग क्रम कोटिंग करते हैं, ये मैंने भी दिखाया है अपना चैनल में, एक वीडियो डाला हुआ है, आप इसमें भी देख सकते हो चॉकलेट का डाला हुआ है। प्रोसेस तो सेम रहेगा, पहले स्पॉन्ज के बाद सॉकिंग फिर क्रीम, उसके बाद जो भी डालना है क्रस्ट वो डाल सकते हो। तो डाल मतलब क्रीम डालने के बाद मैंने साइड में जो एक्स्ट्रा है वो भी स्मूथ कर दिया है, तो इस तरह से स्मूथ कर करके जाएंगे तो शेप प्रॉपर शेप आएगा। तो फिर मैंने इसमें बटर स्कॉच का क्रस्ट लगाया है। इसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने चॉकलेट डाला है। इसके बाद फिर सबसे जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला जो स्पॉन्ज है वो डाल दिया है। इसमें हम सिर्फ पानी से सॉकिंग करेंगे और क्रीम लगाएंगे, तो मैंने मतलब क्रीम लगाया। और इसके बाद फिर क्रीम लगाने के बाद ये पहला जो क्रम कोटिंग है इसको फ्रिज में अच्छे से सेट करने के लिए मैंने 20 मिनट रख दूँगी। इसलिए रख रही हूँ क्योंकि इससे ना अच्छे सा मतलब फिनिशिंग आ जाता है। जब आप फाइनल फिनिशिंग करोगे तो इसमें मतलब जो क्रम्स है वो बाहर नहीं आता है, इसलिए फ्रिज में कम से कम 20 मिनट तो रखना ही है। आप आधा घंटा भी रख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा वाला डिज़ाइन बना रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मतलब क्रम कोटिंग बाहर ना आए, इसीलिए मतलब फ्रिज में रखना ज़रूरी है। इसके बाद एक स्क्रैपर से मैंने ऐसे से स्मूथ कर दी है, ये भी ज़रूरी है क्योंकि अगर अच्छे से नहीं करोगे तो ये जो क्रीम है ये बाहर आने का चांस होता है अगर आप फ्रिज में ज़्यादा देर तक नहीं रखोगे तो। तो इसलिए मुझे 20 मिनट तक ही रखना था, तो मैंने अच्छे से इसको अच्छे से मतलब लगाया है थोड़ा बहुत, तो फिर इसके बाद मैं फ्रिज में डाल दूँगी। और मैं इसके बाद फिर फ्रिज से निकालने के बाद आइसिंग करूँगी, और आइसिंग के बाद फिर फाइनल डेकोरेशन करूँगी। आप लोग भी देख लीजिएगा कि किस तरह से केक बनाते हैं।
पहले स्पॉन्ज बनाना होता है, स्पॉन्ज को ठंडा करना पड़ता है, कम से कम ठंडा तो होना ही चाहिए, ठंडा नहीं होगा तो फिर वो जो स्पॉन्ज है वो टूटने लग जाएगा और गर्म में फिर क्रीम डालोगे तो पिघल जाएगा, इसीलिए आपको ज़रूरी है कि स्पॉन्ज को ठंडा रखना। तो ठंडा रखने के बाद फिर इसको काटेंगे, फिर काटने के बाद फिर उसको ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है वो करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ वैसा। और उसके बाद मैंने फिर से निकाला है 20 मिनट के बाद, फिर फाइनल वाला फिनिशिंग के लिए मैंने इसमें क्रीम डाला है। क्रीम को बाहर कभी भी बाहर नहीं रखना चाहिए, इसको मतलब फ्रिज में रखना चाहिए, नहीं तो सूख जाता है। और उसके बाद मैंने अच्छे से फिनिशिंग कर दिया है। फिनिशिंग करने के बाद फिर ये मतलब कस्टमर ने पापा के लिए बनवाए थे, तो मैंने मतलब ब्लू कलर सिलेक्शन किया है, नेवी ब्लू कलर का। और मैंने इसमें पाइपिंग बैग की मदद से मैंने इसको मतलब डॉट डॉट लगाया है। मैंने कोई भी नोजल यूज़ नहीं किया है ये केक में, तो बिना नोजल का डिज़ाइन बना सकते हो, सिर्फ पाइपिंग बैग से आप डिज़ाइन करके बना के मतलब अच्छे से इसको सजा सकते हो। तो पहले मैंने डॉट डॉट लगाया, उसके बाद एक पैलेट नाइफ की मदद से इसको ऊपर की तरफ खींचना है। तो ये थोड़ा पतला हो गया था तो फिर मैं दोबारा लगाने के लिए सोच रही हूँ। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा सा लगाया था तो हल्का सा मतलब हो गया, तो मैंने सोचा थोड़ा डार्क करने का, तो मैंने एक राउंड फिर लगाऊंगी, इसके बाद फिर इसको कलर को थोड़ा डिप करूंगी। तो इस तरह से पहले से ज़्यादा ये वाला हाइट है ना, ये कम हाइट है, मैंने इसको 6 इंच का 3 में बनाया था, तो इसीलिए ज़्यादा हाइट नहीं है तो नॉर्मल है, तो इसलिए ज़्यादा ऊपर लाएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने आधा ही तक का ही मतलब उठाया है, ये जो क्रीम है ना मैं आधा ही उठाया है। तो फिर दोबारा मैंने लगाया, फिर उसके बाद उठाया तो कलर अच्छा देखने लग गया है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हो कुछ भी। अभी मतलब जेंट्स का अगर मतलब बर्थडे का आता है तो दिमाग में सोचता है फूल वगैरह मतलब कुछ ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम उन लोग को अच्छा नहीं लगता है, सिंपल से चीज़ उसको अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें मतलब ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया है, बस सिंपल डिज़ाइन बनाया है। तो मैंने इसको लगाने के बाद फ्रिज में डाला है, फ्रिज में डालने के बाद थोड़ा सा सेट करने के लिए 5 मिनट 10 मिनट के रख दिया है। फिर हैप्पी बर्थडे का वो लिख दिया है। फिर इसके बाद फिर मैंने हार्ट शेप का डिज़ाइन पाइपिंग बैग में डाल के बनाऊंगी, आप सब देख लेना कि आप सब भी सिंपल सा डिज़ाइन में अच्छा लुक ला सकते हो। तो इस तरह से मैंने डिज़ाइन बनाया है, आप लोग भी कभी मतलब किसी का बर्थडे हो, फैमिली का बर्थडे हो, डिज़ाइन बनाना हो सिंपल, तो ये सब देख के आप बना सकते हो डिज़ाइन जो है, आप बेकरी में जाके या आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो तो ये डिज़ाइन आप बोल के ये डिज़ाइन भी कर सकते हो। अपना बर्थडे मतलब किसी का भी बर्थडे हो, केक बनवाना हो तो आप इस तरह से मतलब बना सकते हो। ये सिंपल है मतलब इसमें, लेकिन ये जो स्मूथ करते हैं ना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी जो डिज़ाइन है ये बिना टाइम लगने वाला डिज़ाइन है। तो मैंने पहले हाथ से बनाया है, हार्ट शेप का ये बनाया है पाइपिंग बेल्ट से,
फिर वाइट कलर एंड ब्लू कलर का कम्बिनेशन दे के बनाऊंगी। नीचे का हो गया है, ऊपर का मैं बनाऊंगी इस तरह से, पहले वाला डॉट फिर नीचे, इस तरह से हम बनाएंगे। ये वाला जो केक है ना, ये फोंडेंट का भी बना सकते थे, लेकिन फोंडेंट का थोड़ा महंगा पड़ जाता है, तो कस्टमर को इतना महंगा वाला देने का भी राजी नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने क्रीम का ही बनाया, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वो थोड़ा सस्ता पड़ता है केक का प्राइस, तो इतना महंगा वाला मैं कौन लेगा सोच के मैंने फाउंडेन, मतलब है मेरे पास, लेकिन मैं ज़्यादा तक क्रीम से ही डेकोरेशन करती हूँ, तो इससे बजट फ्रेंडली भी हो जाता है कस्टमर के लिए भी और मेरे लिए भी। और इस तरह से मैंने बनाया है, आप एक बार देख लीजिए। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि नीचे वाला बॉर्डर थोड़ा कर लेती हूँ, तो नीचे वाला बॉर्डर भी मैंने टू इन वन कलर का लुक दिया है। इसमें मैंने ब्लू कलर और वाइट कलर का कम्बिनेशन दिया है। आप लोग भी बताइए कि कैसा लगा है, बिना बॉर्डर या ऐसे ही छोड़ दूँ, तो आप कमेंट में कर दीजिए अगर देखें तो, कि बॉर्डर वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है या तो ऐसे ही छोड़ दूँ। मुझे तो बॉर्डर वाला अच्छा लग रहा है। इसमें ब्लू एंड वाइट कलर का कम्बिनेशन दे के मैंने इसका बॉर्डर बना दिया है, तो इस तरह से मैंने बनाया, बस हो गया। और उसके बाद फिर मैंने फिनिशिंग देने के लिए ऊपर में वाइट कलर का जो मोती आता है ना छोटा छोटा, वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, डालूंगी, डालेंगे नहीं अब, फिर अभी वाइट कलर का हार्ट से बनाया है, इसको थोड़ा थोड़ा खाली लग रहा था तो मैंने ऊपर का भी थोड़ा हार्ट शेप का बना के इसमें डाल दिया है। आप सब यही मतलब डिज़ाइन बना सकते हो सिंपल वाला, देख लीजिए कैसे डिज़ाइन करते हैं। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप लोग का खूब सारा प्यार चाहिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। और इस तरह से मैंने वाइट कलर का मोती जो है वो मैंने लगा दिया है, अब फाइनल लुक बन गए। और ये जो केक है ना, खाने में बहुत टेस्टी है और लुक में भी बहुत सुंदर है। रेसिपी मैंने खुद ट्राई किया है, ये देखिए कितना सुंदर, सिंपल एंड ब्यूटी। थैंक यू।